गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 10 जीवों में श्वसन भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने जाना कि श्वसन क्या होता है और श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं और अन्य जीवों में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है बच्चों? शुरू करते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही उत्तर के सामने निशान लगाना है। नंबर 1, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा। बच्चों, तिलचट्टों के शरीर में वायु श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है, तो हम इसके सामने निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, जल। क्या उत्तर है बच्चों? लैक्टिक अम्ल। हम इसके सामने निशान लगाएंगे। नंबर 3, किसी सामान्य व्यस्त व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट या 30 से 33 प्रति मिनट। बच्चों, सामान्य वयस्क व्यक्ति में विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य? बच्चों, हमें इस प्रश्न में जो कथन दिए गए हैं उनमें सत्य या असत्य पर निशान लगाना है। अगर सही है तो सत्य पर और अगर गलत है तो असत्य पर। नंबर 1, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। क्या धीमी होती है बच्चों? जब हम खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारी श्वसन दर, हमारी सांसें तेज हो जाती है, तो यह कथन असत्य है, ठीक है बच्चों? नंबर 2, पादपों में
प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। बच्चों इसे ध्यान से समझो, ये बात सही है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, लेकिन श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में काम आती है, श्वसन तो दिन और रात दोनों में होता है। तो यह कथन क्या हुआ? असत्य। ठीक है बच्चों, नंबर 3, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपनी फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। बच्चों यह कथन बिल्कुल सही है, मेंढक त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, तो हम यहाँ सत्य पर निशान लगाएंगे। नंबर 4, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं? नहीं बच्चों, मछली में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं पाए जाते, उनमें श्वसन के लिए गिल पाए जाते हैं, तो यह कथन असत्य है। नंबर 5, अंत श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यह कथन सत्य है, तो हम यहाँ सत्य पर निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1, शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन दर डैश जाती है। क्या होता है बच्चों? जब हम एक्टिव होते हैं, हमारी शारीरिक सक्रियता बढ़ती है, तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। नंबर 2, केंचुए में गैसों का आदान प्रदान उसकी डैश के माध्यम से होता है। कैसे होता है? त्वचा के माध्यम से। नंबर 3, मछली में श्वसन डैश द्वारा होता है। मछली में श्वसन अंग होते हैं बच्चों गिल। अति लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 1, श्वसन दर किसे कहते हैं? उत्तर, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। नंबर 2, अंत श्वसन किसे कहते हैं? उत्तर, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना अंत श्वसन कहलाता है। लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 1, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर
सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? उत्तर, क्योंकि दौड़ लगाने के दौरान पेशियां अधिक कार्य करती हैं, उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए धावक दौड़ समाप्त होते ही गहरी सांसें लेता है ताकि उसकी पेशी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। निबंधात्मक प्रश्न नंबर एक, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। उत्तर, वायवीय श्वसन, और इधर सारणी में हम लिखेंगे अवायवीय श्वसन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, अर्थात वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल होते हैं, अर्थात अवायवीय श्वसन में अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनते हैं। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन पौधों तथा जंतुओं में पाया जाता है, अवायवीय श्वसन पेशी कोशिकाओं यीस्ट में होता है। दूसरा प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको इस श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है और श्वसन अंगों के नाम भी लिखने हैं, जैसे नासा गुहा, श्वास नली, फेफड़े, पसलियां भी हमारी सहयोग करती हैं ना श्वसन में, और डायफ्राम, इन सब के नाम भी लिखना। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं, अब आप गृह कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों? गृह कार्य नंबर एक, अंतःश्वसन के समय डायफ्राम किस ओर गति करता है? दूसरा प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखना।
और चित्र भी बनाना। तो बच्चों अब अपना ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना और याद भी करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।